समर्थन दिया। श्रीनगर में शनिवार को सर्दियों के इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी का ताजा असर देखने को मिला। थाना अध्यक्ष यशुवर्धन सिंह, रोहित पाली और विवेक शर्मा ने राजौरी जिले में विशेष रूप से भाजपा के पक्ष में एक तरफ कर प्रवेश द्वारा कालाकोट संविधान सभा में भेदभाव के बारे में मीडिया से बातचीत की। धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारी संघ ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर धर्मार्थ ट्रस्ट प्रबंधक के खिलाफ अपनी मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। जिला पुंछ की तहसील मंडी में गांव अरई के डोडा के मोहल्ले शेखा से सड़क का बहुत बुरा हाल है और लोगों ने जताया उसके प्रति रोष। डिप्टी मेयर के साथ जम्मू के मेयर ने आज जानीपुर की वार्ड नंबर 37 में नालियों का काम शुरू करवाया। ब्लॉक आरएसपुरा से पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह ने अपने चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों से घर घर जाकर अपील की कि वे इस बार पैंथर्स पार्टी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। माननीय महापौर जम्मू नगर निगम की अध्यक्षता में चंद्रमोहन गुप्ता और अन्य लोगों ने आज वार्ड नंबर 13 अम्बेडकर भवन रेशम भवन कॉलोनी में स्वच्छ भारत मिशन IEC घटक के तहत पेंटिंग और ड्राइंग का प्रतियोगिता का आयोजन किया। ब्लॉक आरएसपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक प्रोफेसर घारू राम भगत ने अपने चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए शनिवार को कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। ब्लॉक आरएसपुरा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेश मोटन ने अपना चुनाव प्रचार जारी रखते हुए ब्लॉक आरएसपुरा के लोगों से अपील की है कि वे इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं।